और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लास ऑफ एमएलटी एंड हिस्टोपैथोलॉजी में। दोस्तों स्पेशल स्टेन के सीरीज में आज हम पढ़ेंगे गॉर्डन एंड स्विट्स स्टेनिंग प्रोटोकॉल फॉर रेटिकुलम। ठीक है, रेटिकुलम स्टेन या रेटिकुलिन स्टेन हम किस उद्देश्य के लिए परफॉर्म करते हैं, ठीक है, उसका पर्पज कंट्रोल, ठीक है, रिएजेंट एंड सॉल्यूशन क्या रिक्वायर्ड होते हैं दोस्तों उसके लिए, और स्टेनिंग प्रोसीजर और रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, जो सबसे पहला पॉइंट होगा गॉर्डन एंड स्विट्स स्टेनिंग प्रोटोकॉल फॉर रेटिकुलिन। सबसे पहले हम लोग इसका जानेंगे दोस्तों पर्पज क्या होता है। सेकेंड पॉइंट होगा हम लोगों का कंट्रोल क्या यूज करते हैं। थर्ड रिक्वायरमेंट होगा हम लोगों का रिएजेंट एंड सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, चौथा जो स्टेप होगा होगा हम लोगों का स्टेनिंग प्रोसीजर। लास्ट स्टेन, लास्ट पॉइंट जो होगा हम लोगों का होगा रिजल्ट। ठीक है, इन पांच पॉइंट पे हम फोकस करेंगे। तो रेटिकुलिन स्टेन का पर्पज क्या होता है, उस टेस्ट को परफॉर्म करने का हमारा उद्देश्य क्या होता है उसके बारे में जानेंगे दोस्तों। दिस स्टेन इज used to the detection of reticulum fiber in फॉर्मलिन फिक्स्ड पैराफिन एम्बेडेड ब्लॉक। ओके, दिस स्टेन इज यूज्ड टू द डिटेक्शन ऑफ रेटिकुलम फाइबर इन फॉर्मलिन फिक्स्ड पैराफिन एम्बेडेड ब्लॉक्स या टिश्यू। ओके दोस्तों, इस टेस्ट को जो हमारा परफॉर्म करने का मेन उद्देश्य होता है दोस्तों वो होता है रेटिकुलम फाइबर को डिटेक्ट करने के लिए पैराफिन टिश्यू में हम लोग रेटिकुलिन स्टेन को परफॉर्म करते हैं। ओके, जो इसका कंट्रोल है वो होता है लीवर टिश्यू। ठीक है, लीवर टिश्यू को हम एज अ कंट्रोल यूज करेंगे रेटिकुलिन स्टेन के लिए। अभी हम नेक्स्ट जानेंगे रिएजेंट एंड सॉल्यूशन। अभी हम जानेंगे रेटिकुलिन स्टेन को परफॉर्म करने के लिए जो हमें रिएजेंट एंड सॉल्यूशन चाहिए दोस्तों उनको प्रिपेयर कैसे करते हैं और कौन कौन से रिएजेंट का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, जो रिक्वायरमेंट होता है दोस्तों रेटिकुलिन स्टेन के लिए 0.5% पोटेशियम परमैंगनेट, 2% ऑक्सैलिक एसिड, 4% फेरिक अमोनियम सल्फेट, 10% अमोनिकल सिल्वर सॉल्यूशन, 10% फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन, 0.2% गोल्ड क्लोराइड, 0.2% सोडियम थायोसल्फेट और 1% न्यूट्रल रेड सॉल्यूशन। ये जो न्यूट्रल रेड सॉल्यूशन है दोस्तों वो तो हमारा ऑप्शनल है। ठीक है, हम यूज करेंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, लेकिन ये 7 स्टेप हमें फॉलो करने हैं। ठीक है, स्टेनिंग के लिए तो अभी अभी हम 0.5% पोटेशियम परमैंगनेट प्रिपेयर कैसे करते हैं दोस्तों उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, 0.5 पोटेशियम परमैंगनेट हम 100 ml प्रिपेयर करेंगे। 0.5% पोटेशियम
परमैंगनेट प्रिपेयर करेंगे दोस्तों हम लोग 100 ml, जो इसके लिए रिक्वायर्ड होगा वो होगा पोटेशियम, परमैंगनेट और डिस्टिल वाटर। 0.5% पोटेशियम परमैंगनेट 100 ml प्रिपेयर करने के लिए हमें पोटेशियम परमैंगनेट चाहिए 0.5 ग्राम और डिस्टिल वाटर चाहिए दोस्तों 100 ml। 100 ml डिस्टिल वाटर में 0.5 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट को डिजॉल्व करने से हमारा 100 ml 0.5% पोटेशियम परमैंगनेट प्रिपेयर होगा, ठीक है। अभी हम जानेंगे सेकंड 2% ऑक्जैलिक एसिड कैसे प्रिपेयर करते हैं। 2% ऑक्जैलिक एसिड, ये भी हम लोग 100 ml प्रिपेयर करेंगे दोस्तों। 0.2% ऑक्जैलिक एसिड प्रिपेयर करने के लिए 100 ml जो हमारा रिक्वायर्ड होगा वो होगा ऑक्जैलिक एसिड, और दूसरा जो रिक्वायरमेंट होगा वो होगा डिस्टिल वाटर का। ऑक्जैलिक एसिड 2% प्रिपेयर कर रहे हम लोग 100 ml, तो 2 ग्राम लेंगे और डिस्टिल वाटर लेंगे हम लोग 100 ml, ठीक है। 100 ml डिस्टिल वाटर में 2 ग्राम ऑक्जैलिक एसिड पाउडर को डिजॉल्व करने से हमारा 100 ml 2% ऑक्जैलिक एसिड प्रिपेयर होगा दोस्तों। अभी हम थर्ड जानेंगे 4% फेरिक अमोनियम सल्फेट कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। अभी हम थर्ड जानेंगे दोस्तों 4% फेरिक अमोनियम सल्फेट प्रिपेयर कैसे करते हैं, ठीक है। 4% फेरिक अमोनियम सल्फेट, 4% अमोनियम फेरिक अमोनियम सल्फेट प्रिपेयर करने के लिए जो हमारा रिक्वायरमेंट होगा दोस्तों वो होगा फेरिक अमोनियम सल्फेट, और दूसरा रिक्वायरमेंट होगा डिस्टिल वाटर, ठीक है। ये भी हम लोग 100 ml प्रिपेयर करेंगे, तो 100 ml 4% फेरिक अमोनियम सल्फेट करने के लिए प्रिपेयर करने के लिए फेरिक अमोनियम सल्फेट हमें चाहिए 4 ग्राम और डिस्टिल वाटर चाहिए हमें 100 ml। 100 ml डिस्टिल वाटर में 4 ग्राम फेरिक अमोनियम सल्फेट का पाउडर को डिजॉल्व करेंगे तो हमारा 100 ml 4% फेरिक अमोनियम सल्फेट का सोलूशन बन करके तैयार होगा दोस्तों, ओके। अभी नेक्स्ट जानेंगे हम लोग 10% अमोनिकल सिल्वर सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। 10% अमोनिकल, 10% अमोनिकल सिल्वर सोल्यूशन 100 ml प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो 10% अमोनिकल सिल्वर सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए पहले हमें क्या चाहिए, 10% सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन, ठीक है। अमोनिकल सिल्वर सोल्यूशन प्रिपेयर करने के पहले अभी हम लोग 10% सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, 10%, ठीक है। तो सिल्वर नाइट्रेट कितना लेंगे इसके लिए, 10 ग्राम डिस्टिल वाटर लेंगे 100 ml, ठीक है। 100 ml डिस्टिल वाटर में 10 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को डिजॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारा वो 10% सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन 100 ml प्रिपेयर होगा, जिसको हम स्टोर करेंगे इन
क्लीन एसिड फ्री ग्लास बोतल में, ठीक है। एसिड फ्री क्लीन ग्लास बोतल क्यों चाहिए दोस्तों? इसके लिए क्योंकि हमारा जो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है बहुत सेंसिटिव होता है, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी डस्ट या एसिड रहेगा उसमें तो प्रेसिपिटेट करेगा, ठीक है। तो उसको हमें ध्यान देना है कि 10% सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने से पहले हमारा जो कांच का बोतल है वो अच्छे से क्लीन होना चाहिए, ठीक है। ये जो हमारा 10% सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन था दोस्तों, ये हमारा था टॉक सॉल्यूशन, ठीक है। अब इस टॉक सॉल्यूशन से 10% सिल्वर नाइट्रेट स्टॉक सॉल्यूशन से अब हम बनाएंगे 10% अमोनिकल सिल्वर सॉल्यूशन, ओके। अभी हम 10% अमोनिकल सिल्वर सॉल्यूशन बनाने के लिए प्रिपेयर किए थे 10% सिल्वर नाइट्रेट स्टॉक सॉल्यूशन दोस्तों, ठीक है। अब उस 10% सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के हेल्प से हम लोग 10% अमोनिकल सिल्वर सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। अभी हम 10% अमोनिकल सिल्वर सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करेंगे उसके बारे में जानेंगे। तो 10% अमोनिकल सिल्वर सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए जो हमारा रिक्वायरमेंट होगा दोस्तों, वो होगा 10% सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद हम लोग लेंगे 1 potassium hydroxide पैलेट लेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद लेंगे हम लोग 1 concentrate ammonia solution या फिर 1 ammonium hydroxide, ठीक है। और चौथा जो रिक्वायरमेंट होगा दोस्तों, वो होगा 1 distilled water का, ठीक है। तो 10% अमोनिकल सिल्वर सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट जो चाहिए हम लोगों को वो चाहिए 5 ml, ठीक है। 5 ml 10% सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में हम लोग 1/2 pellet 5 ml 10% सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में ऐड करेंगे दोस्तों, ठीक है। और उसको चेक करेंगे, मिक्स करेंगे, ठीक है, जिससे हमारा सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पैलेट जो अच्छे से डिजोल्व हो जाए, ठीक है। डिजोल्व होने के बाद दोस्तों ये जो कलर प्रोड्यूस करेगा वो होगा डर्टी कलर या डर्टी ब्राउन कलर, ठीक है। डर्टी ब्राउन कलर प्रेसिपिटेट करेगा। अब इस डर्टी ब्राउन कलर को हमें क्लियर कलर तक लाना होगा। क्लियर कलर लाने के लिए दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, अमोनिया सॉल्यूशन या अमोनियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप बाय ड्रॉप बाय ड्रॉप तब तक ऐड करेंगे जब तक हमारा
कलर जो है डर्टी ब्राउन से क्लियर ना हो जाए, ठीक है? ठीक है, जब तक क्लियर ना हो जाए तब तक ड्रॉप बाय ड्रॉप हम अमोनिकल या अमोनियम हाइड्रोक्साइड या अमोनिया सॉल्यूशन को, कंसंट्रेट अमोनिया सॉल्यूशन को उसमें ऐड करते रहेंगे। ऐड करने के बाद दोस्तों जब हमारा जो सॉल्यूशन है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तब हम उसमें 50 ml डिस्टिल वाटर ऐड कर देंगे। डिस्टिल वाटर ऐड करने के बाद दोस्तों इसको हम स्टोर करेंगे, स्टोर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। ठीक है, उसको हम लोग 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर स्टोर करके रखेंगे और जब हमें टेस्ट को परफॉर्म करना होगा उससे 2 या 3 मिनट पहले हम उसको फ्रीज टेम्परेचर से बाहर रखेंगे, देन टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। दोस्तों अभी चौथा 10% अमोनिकल सिल्वर सोल्यूशन हमने पढ़ा, अभी हम 10% फॉर्मल्डिहाइड के ऊपर डिस्कस करेंगे। दोस्तों इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, 10% फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करते हैं। दोस्तों 10% फॉर्मल्डिहाइड प्रिपेयर करने के लिए हमारा रिक्वायरमेंट होगा फॉर्मल्डिहाइड 37 to 41%। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड जो होता है हमारा 37 से 41% जो होता है वो कंसंट्रेट होता है, जिसको हम लोग लेंगे वाटर लेंगे उसके बाद। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड लेंगे 10 ml, वाटर लेंगे हम लोग 90 ml। 90 ml वाटर में 10 ml कॉन्सेंट्रेट फॉर्मल्डिहाइड को ऐड करने से हमारा जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा दोस्तों 100 ml 10% फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन तैयार होगा। ओके, अभी हम 6th reagent 2% गोल्ड क्लोराइड प्रिपेयर करेंगे दोस्तों, 0.2% गोल्ड क्लोराइड। गोल्ड क्लोराइड को हम अदर नेम से जानते हैं दोस्तों, जिसका नाम है सोडियम टेट्रा क्लोरो ऑरेट। ठीक है, रिएजेंट जो हम प्रिपेयर करेंगे वो 100 ml प्रिपेयर करेंगे दोस्तों, 0.2% गोल्ड क्लोराइड 100 ml प्रिपेयर करने के लिए जो हमारा रिक्वायरमेंट होगा गोल्ड क्लोराइड का, और सेकंड होगा डिस्टिल वाटर का। गोल्ड क्लोराइड लेंगे हम लोग 0.2 ग्राम, डिस्टिल वाटर को लेंगे हम लोग 100 ml 100 ml डिस्टिल वाटर में 0.2 ग्राम सोडियम टेट्राक्लोरिक क्लोरोऑरेट या गोल्ड क्लोराइड को डिजोल्व करने से हमारा 100 ml 0.2% सोल्यूशन तैयार होगा दोस्तों गोल्ड क्लोराइड का। अभी हम नेक्स्ट रिएजेंट दोस्तों 2% सोडियम थायोसल्फेट प्रिपेयर करेंगे, 2% सोडियम थायोसल्फेट प्रिपेयर करने के लिए जो हमारा रिक्वायरमेंट होगा वो क्या होगा, 2% सोडियम थायो सल्फेट 100 ml प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए रिक्वायरमेंट होगा दोस्तों होगा क्या, 5 sulfate 2 ग्राम डिजॉल्व इन 100 ml डिस्टिल वाटर, 100 ml डिस्टिल वाटर में 2 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट के पाउडर को डिजॉल्व करेंगे दोस्तों, तो हमारा 100 ml 2% सोडियम थायोसल्फेट बनकर के तैयार होगा।
नेक्स्ट ऑप्शनल जो है हमारा 1% न्यूट्रल रेट सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करते हैं दोस्तों, उसके बारे में जानेंगे। 1% न्यूट्रल रेट को हम न्यूट्रल फास्ट रेट के नाम से जानते हैं। 100 ml प्रिपेयर करेंगे, जो इसके लिए रिक्वायरमेंट होगा दोस्तों वो होगा 1 gram, डिस्टिल वाटर 100 ml, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट ग्लेशियल एसिटिक एसिड 1 ml, ठीक है। 1% न्यूट्रल फास्ट रेट 100 ml प्रिपेयर करने के लिए 1% न्यूट्रल फास्ट रेट 1 ग्राम, 1 ग्राम न्यूट्रल फास्ट रेट पाउडर को हम लोग 100 ml डिस्टिल वाटर में डिजॉल्व करेंगे दोस्तों। देन एज ए प्रिजर्वेटिव कंसंट्रेट ग्लेशियल एस्टिक एसिड 1 ml ऐड करेंगे तो हमारा 1% न्यूट्रल फास्ट रेट सोल्यूशन बन करके तैयार होगा दोस्तों। ओके, तो ये हमारा था अभी रिएजेंट एंड सोल्यूशन प्रिपरेशन। अभी हम नेक्स्ट जानेंगे दोस्तों स्टेनिंग का प्रोसीजर। ओके, लिक्विडिंग स्टेन को परफॉर्म कैसे करते हैं उसका स्टेनिंग प्रोसीजर जानेंगे दोस्तों। फर्स्ट स्टेप जो आएगा हम लोगों का वो होगा आफ्टर डी पैराफिनाइजेशन, क्या होगा, ठीक है। आफ्टर डी पैराफिनाइजेशन मतलब टिश्यू सेक्शन जो है हमारा स्लाइड में उसको हम क्या करेंगे, डी पैराफिनाइज करेंगे। और डी पैराफिनाइज कैसे करते हैं दोस्तों, उसके लिए हमने हेमेटोक्सिलिन एंड योशियन स्टेनिंग का वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, जिसमें हमने डी पैराफिनाइजेशन क्या होता है, डिहाइड्रेशन और क्लीनिंग क्या होता है उसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग डी पैराफिनाइजेशन क्या होता है नहीं पता आप लोगों को, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोगों वहां से जाकर के डी पैराफिनाइजेशन को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, मैंने वहां पे बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। हर स्पेशल स्टेन में हमें टिश्यू सेक्शन में जब भी हम स्पेशल स्टेन परफॉर्म करते हैं दोस्तों, तो जो हमारा पहला स्टेप आता है आफ्टर डी पैराफिनाइजेशन, टिश्यू को डी पैराफिनाइज करने के बाद ही हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट हेडिंग है दोस्तों, इसको आप लोग देख लीजिएगा। जो सेकेंड स्टेप आएगा उसको क्या करेंगे हम लोग, ऑक्सीडाइज विथ 0.5% पोटेशियम पर मैग्नेट 3 to 4 minutes, ठीक है। क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे 0.5% पोटेशियम पर मैग्नेट से 3 to 4 minutes के लिए, ठीक है। पोटेशियम पर मैग्नेट क्या करता दोस्तों, फॉर एग्जांपल अगर हमारे लीवर या बोन मैरो के टिश्यू पर हम इसको परफॉर्म करते हैं, तो लीवर में क्या होता है, हीमोसिड्रिन होता है, ठीक है, और बोन मैरो में भी हमारा हीमोसिड्रिन प्रेजेंट होता है। तो उस हीमोसिड्रिन को ऑक्सीडाइज करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए हम लोग 0.5% पोटेशियम पर मैग्नेट को यूज करते हैं 3 to 4 minutes के लिए। थर्ड स्टेप, वॉश विद डिस्टिल वाटर। फोर्थ स्टेप जो आएगा दोस्तों हम लोगों का डिस्टिल वाटर से वॉश करने के बाद होगा डीकोलराइज विद 2% ऑक्सैलिक एसिड 2 minutes, ठीक है। उसके बाद 2% ऑक्सैलिक एसिड से डीकोलराइज करेंगे 2 minutes के लिए, फिर वॉश विथ पूरा लिक्विड डिस्टिल्ड वाटर
डिस्टिल्ड वाटर से वॉश करने के बाद दोस्तों जो हमारा सिक्स स्टेप आएगा वो होगा मोडरेंट विथ 4%, 4% फेरिक अमोनियम सल्फेट 10 मिनट रखने के बाद दोस्तों उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको वॉश करेंगे डिस्टिल वाटर से। डिस्टिल वाटर से वॉश करने के बाद हम उसको इम्प्रिग्नेट करेंगे विथ 10% अमोनिकल सिल्वर सॉल्यूशन। दो मिनट तक, ठीक है, 10% अमोनिकल सिल्वर सॉल्यूशन से हम उसको इम्प्रिग्नेट करेंगे 2 मिनट के लिए। देन क्विक वॉश विथ डिस्टिल वाटर, यहां पे लिख देते हैं नॉट नॉट नेसेसरी। वॉश करना है हमें क्विक वॉश, मतलब जल्दी से वॉश करके, या तो नहीं भी करेंगे तो क्या करेंगे, स्लाइड के ऊपर से 10% अमोनिकल सिल्वर सॉल्यूशन जो है उसको डिस्कार्ड करने के बाद दोस्तों हम 10% फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे। तभी हम 10th स्टेप पढ़ेंगे दोस्तों। 10% अमोनिकल सिल्वर सॉल्यूशन को क्विक वॉश करने के बाद जो हमारा 10th स्टेप आएगा वो होगा इमीडिएट रिड्यूस्ड विथ 10% फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन 2 मिनट, ठीक है। इसके बाद हम लोग उस पर 10% फॉर्मल्डिहाइड अप्लाई करेंगे दोस्तों 2 मिनट के लिए, ठीक है। अप्लाई करने के बाद उसको हम फिर से वॉश करेंगे दोस्तों, वॉश विथ डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर से वॉश करने के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, टोनिंग करेंगे उसका, टोन विथ 0.2% गोल्ड क्लोराइड फॉर 2 मिनट्स, ठीक है। 0.2% गोल्ड क्लोराइड से हम उसको ट्यूनिंग करेंगे, देन फिर से वॉश करेंगे डिस्टिल वाटर से दोस्तों। डिस्टिल वाटर से वॉश करने के बाद फिक्स्ड करेंगे, फिक्स्ड विथ 2% सोडियम थायो सल्फेट 1 मिनट, 2% सोडियम थायो सल्फेट में फिक्स करने के बाद हम उसको फिर से वॉश करेंगे डिस्टिल वाटर से, ठीक है। डिस्टिल वाटर से वॉश करने के बाद दोस्तों हमारे रेटिकुलिन स्टेन का जो प्रोसीजर था स्टेनिंग का, वो यहीं पे एंड होता है, ठीक है। अगर हम काउंटर स्टेन देना चाहें, ठीक है, तो 2 स्टेप हमारा और बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर उसको करेंगे तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है, नेसेसरी नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो 16th स्टेप क्या हो जाएगा हम लोगों का, काउंटर स्टेन विथ 1% न्यूट्रल फास्ट रेट सॉल्यूशन, टू मिनट, ठीक है। ये हमारा क्या है, ऑप्शनल है, क्या है,
ऑप्शनल है। अगर हम ऑप्शनल में काउंटर स्टेन यूज करते हैं दोस्तों 2 मिनट तक, देन इसको हम क्या करेंगे, हाइड्रेट करेंगे, हाइड्रेट विथ डिस्टिल वाटर, ठीक है। डिस्टिल वाटर से हाइड्रेट करने के बाद, डिस्टिल वाटर में हाइड्रेट करने के बाद दोस्तों हमारा 18th स्टेप जो आएगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हमने ऑप्शनल 1% न्यूट्रल फास्ट रेट एज अ काउंटर स्टेन यूज किया दोस्तों, तो उसके लिए हमको डिहाइड्रेट करना पड़ेगा, देन डिहाइड्रेट क्विकली डिहाइड्रेट, देन क्या करेंगे हम लोग, क्विक डिहाइड्रेट करेंगे ना। क्विकली डिहाइड्रेट इन 80%, 90% एंड 100% एल्कोहल, ट्वेंटी सेकेंड ईच, ठीक है। क्विकली डिहाइड्रेट मतलब एल्कोहल हम कम समय के लिए देंगे 20 सेकेंड के लिए, ठीक है। पहले 80% में 20 सेकेंड रखेंगे, 90% में 20 सेकेंड रखेंगे, देन 100% एल्कोहल में हम 20 सेकेंड तक रखेंगे। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों हम लोगों का क्विक क्लियरिंग इन 3 चेंजेज ऑफ जाइलिन 20 सेकेंड ईच, ठीक है। उसके बाद हम जाइलिन से भी क्विक क्लियर करेंगे, क्विकली क्लियर करेंगे 3 चेंजेज ऑफ जाइलिन 20 सेकेंड ईच। देन फाइनल स्टेप जो होगा हम लोगों का होगा एयर ड्राई एंड माउंट विथ डीपीएक्स, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको एयर ड्राई करने के बाद डीपीएक्स या किसी भी रीजनिंग मीडियम से, रीजनिंग माउंटिंग मीडियम से हम उसको क्या करेंगे, माउंट करेंगे। इसके बाद स्टैंड को चेक करने के लिए स्टैंड हमारा अच्छे से हुआ है कि नहीं, उसके लिए हम अंडर माइक्रोस्कोप उसका एग्जामिनेशन करेंगे। अंडर माइक्रोस्कोपिकली एग्जामिनेशन के बाद हम उसका रिजल्ट जानेंगे कि इस रेटिकुलिन स्टैंड का रिजल्ट क्या होता है। हम रेटिकुलिन स्टैंड को परफॉर्म करने के बाद उसका रिजल्ट जानेंगे दोस्तों। तो रेटिकुलिन फाइबर जो होगा वो होगा ब्लैक, जो न्यूक्लियाई होगा वो होगा रेड कलर का, ठीक है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को रेटिकुलिन स्टैंड, ठीक है, का पर्पज, कंट्रोल, स्टैनिंग प्रोसीजर, रिएजेंट एंड सॉल्यूशन और रिजल्ट अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।